बोल हरि बोल हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे कृष्ण। वो पार्टी आने से पहले एक छोटी स्टोरी सुन लो, जावट का कथा सुन लो। लग दो जो जावट में है, अभी जावट में गए थे ना बन महाराज, जो जावट की कथा सुनाए, बोले एक समय ये जटिला कुटिला महाराज बोल, जटिला सास ननंद का नाम जटिला और कुटिला, मतलब क्या, हर समय कृष्ण मिलन में जो बाधा देते हैं, कहते ना कुट 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 करते रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ गए थे। अभी क्या हुआ, एक दिन जटिला कुटिला किस तरह से पता चला, इनको पता चला मेरी जो बहू है ना वो तो जाती है गो दही बेचने का बहाना में, कभी कभी नंदगांव में भी जाती है कृष्ण की प्रसाद बनाने के लिए, कृष्ण को भोजन बनाने के लिए, लेकिन ये कृष्ण को भोजन बनाने के बहाना में तो जाती है, लेकिन हमने सुना ये कृष्ण के साथ में मिलती है, कृष्ण के साथ में खेलती है। अभी इतने में जटिला कुटिला को शंका हो गई, शंका हो गई तो जटिला कुटिला ने मना कर दिया, बोले देखो तू मेरी घर की बहू हो है, मेरे इच्छा है मैं बहू को कहीं भेजू नहीं भेजू, भैया मैं बहू को और भेजने वाले नहीं हूँ, इसलिए मेरे बहू तू अपना घर में रहो, तेरे को कई जरूरत नहीं, तो नंद भवन में जाकर के कृष्ण के खाना बनाने का कोई जरूरत नहीं, मेरे को कपड़ा लता सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं, मेरी बहू की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, मेरा अपना बहू घर में रहे और ठीक ठाक से तू रहा करो। इतने में राधा रानी को एकदम मना कर दिया, लेकिन राधा रानी को वरदान दुर्वासा जी का मिला था, राधा रानी के हाथ में जो कुछ बनेगा वो अमृत बनेगा, इसलिए वो अमृत हस्ता है, हैं अमृत हस्ता है। इसलिए जटिला कुटिला क्या करती थी, ये माँ यशोदा जटिला कुटिला को लोभ दिखा करके सोने चांदी गहना कपड़ा लता आदि दे करके किसी ना किसी तरह से राधा रानी को नंद भवन में बुलाया करती थी, और राधा रानी आ करके क्या करती थी, सुंदर सुंदर कृष्ण के लिए भगवान बनाया करती थी है। लेकिन राधा रानी विशेष करके एक लड्डू बनाती थी जिसका नाम है मनोहर लड्डू, क्या लड्डू का नाम, मनोहर लड्डू, वो लड्डू बहुत प्यारा है जिसमें काजू पेस्ता बादाम दे करके, अरे कृष्ण जब तक भोजन को बाद में ये लड्डू को जब तक नहीं खा लेना तब तक कृष्ण पेट नहीं भरता था, लेकिन अभी जटिला कुटिला मना कर दिया, मेरी बहू को कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में रहा करो। अभी राधा रानी रसोई नहीं बनाती, लड्डू नहीं बनाती, अभी कृष्ण प्रेम से भोजन नहीं करते, अभी राधा रानी भी बड़ी दुखी है, मैं अभी कृष्ण के लिए भोजन नहीं बना पाती और कृष्ण से मेरी मिलन भी नहीं होता, राधा रानी बड़ी दुखी है और कृष्ण भी बड़े दुखे है, कृष्ण भी बड़ी दुखी है। दुखी बन करके कृष्ण ने किया कि उन्होंने किसी सखी को हाथ में खबर भेज दिया राधा रानी के पास में, बोले देखो राधे तुमको अगर तुम मेरे साथ में मिलना चाहते तेरे को कुछ नाटक करना पड़ेगा और मेरे को भी कुछ नाटक करना पड़ेगा। बोले क्या नाटक करना पड़ेगा, बोले एक दिन तुम सांप काटने का बहाना बनाओ, जब सांप काट देना ओझा आकर के मंत्र को तरह बीस निकालती है, फिर मैं स्वयं, हिंदी में ओझा बोलते हो क्या बोलते हो, हाँ ओझा हिंदी में ओझा ओझा बोलते हो ना, जो मंत्र को झाड़ फूंक जो करता है, इसलिए मैं ओझा बन करके जाऊंगा और तू ये बहाना बनाने मेरे को सांप काट दिया। एक दिन राधा रानी ने किया कि फूल चयन करने के लिए गई थी और वहीं पर फूल चयन करने की बहाना बना कर गई और वहीं पर उन्होंने जमीन पर लौट पटू खाने लग गई, मेरे को एक काला जहरीला सांप ने मेरे को डांस दिया काट दिया। ए राधा रानी बोली और मैं बचूंगी नहीं, अभी तो मैं मरने वाली हूँ, राधा रानी छटपट छटपट करने लग गई। इतने में कृष्ण स्वयं जो बीस उतारने वाले का एक रूप धारण करके आए जिसका नाम थी विंध्यावली, क्या नाम है, विंध्यावली नाम लेकर के कहां पर कर ये श्री पौर्णमासी, पौर्णमासी जोग माया, जोग माया क्या करती है राधा कृष्ण को ये मिलन कराती है, ये जोग माया मिलन कराती है। अभी उसने ये पौर्णमासी के घर में आकर के बैठी गई है, इतने में जटिला कुटिला गई, बोले कहां पर जटिला कुटिला गई, और उन्होंने जटिला कुटिला गई पौर्णमासी को पास में, मेरी बहू को सांप काट दिया अभी जहर उतारना, अभी जहर उतारना। इतने में कृष्ण ने एक लड़की के रूप धारण करते हुए कृष्ण ने
वहां पर बैठे हुए हैं। इतने में बोले देखो गर्गाचार्य की एक चेली आई है मथुरा से, वो बड़ी अगर किसको सांप काट दे तो उनको मंत्र को द्वारा सारे जहर को उतारने वाले विंध्यावली, तुम इनको साथ में ले लाओ। लेकिन वो विंध्यावली कौन है? अरे बोलो, विंध्यावली ये कृष्ण ही स्वयं ये विंध्यावली बन करके आई। इतने में बोले इसको लेकर चली जाओ, यही जहर उतार देगा। और उसको लेकर कहां पर आ गई? आ गई जावट में। जब जावट में आई इतने में वो तो कृष्ण स्वयं बोले देखो ये जो सांप काटा है शंकर जी के श्रृंगार सांप है, शंकर जी गले में भी सांप है, शंकर जी के हाथ में भी सांप है, अब देखना सब जगह में सांप ही सांप है। इसलिए जो शंकर जी के अधीन में ये सांप है, इसलिए उन्होंने बोले देखो पहले मैं ये शंकर जी को प्रश्न करता हूँ, क्योंकि ये जो सांप ने काटा मतलब शंकर जी ने भेजा, पहले मैं शंकर जी को पूछता हूँ ये शंकर जी ने ये सांप को भेजा तो क्यों ये सांप को भेजा। एक एक घर को अंदर में मैं जाता हूँ और मैं शंकर जी को अभी बुलाऊंगा, देखो तुम लोग को सबके सब आवाज सुनने को मिल गया, तुम लोगों को है आवाज मिलेगा। इतने में एक घर को अंदर में गए और कृष्ण जा करके उन्होंने शंकर जी को बुलाए, बोले हे भोले बाबा। इतने में जब बोले भोले बाबा, इतने में शंकर जी की उन्होंने दो आवाज, कृष्ण ने दो आवाज निकाली, एक तो विंध्यावली की और एक शंकर जी को। इतने बोले हे भोले बाबा तुम ये बताओ तुमने क्यों ये सर्पों को भेजा ये जटला कुटला की बहू को काटने के लिए। इतने में सर्प ने, सर्प ने शंकर जी कह रहे हैं दूसरे आवाज से, बोले देखो ये मेरे प्रभु ये राधा रानी के हाथ में खाना ये मेरे प्रभु कृष्ण भोजन करते हैं, लेकिन ये जटिला कुटिला ने अपना बहू को मना कर दिया। क्या मना कर दिया? तुम अभी रसोई बनाने के लिए मत जाओ, इसलिए अभी मेरे जो प्रभु कृष्ण बिना भोजन के, कृष्ण अभी भूखे हैं नंद भवन में, इसलिए शंकर जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल 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 हरि निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की। बोले कोकिला बहन की, बोले कोकिला कोकिले कोकिला बहन की, बोले जय कोकिल बिहारी की, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।
महाराज आप जावट का कथा सुना, कोकिला कथा सुना दे। हाँ बांग्ला बांग्ला थे हमने दो मिनट को जावट में कथा सुनी थी छिला तबरे तेरा बांग्ला ही बोली अब तुम परमा से महाराज कथा। अच्छा ठीक है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ एक हर अभी क्या हुआ है, अभी कृष्णा स्वयं विंध्यावली बन गए। बांग्ला पहले बांग्ला बोले नहीं, ये हिंदी में प्रचुर जावट का कथा सुना रहा था। हरे कृष्णा। हाँ हम जो कथा सुना रहे थे आपको अभी बंगला में, क्योंकि दो दो टाइम हो गया हिंदी हिंदी कथा हो रही है, बंगला कथा हो ही नहीं रही है, इसलिए बंगाली भक्त नाराज है। बोले केवल हिंदी 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 में हो रहे हैं, कोई बंगला नहीं बोले। परमहंस महाराज अच्छा खुदा ये देख।